नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की बुलंदशहर पुलिस भी एक बार फिर एक्शन मोड पर आ गई है। यहां सिकंदराबाद पुलिस की टॉप 10 अपराधी और सिकंदराबाद थाने के हिस्ट्री शीटर अमित उर्फ मुतु कसाई से उस वक्त मुठभेड़ हो गई, जब शातिर बदमाश देर रात बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। दरअसल बढ़ते अपराध के मद्देनजर सिकंदराबाद पुलिस टीम की ओर से NH91 पर गुलाबकी रोड के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के दौरान अमित को भी रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अमित की ओर से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस की एक गोली शातिर बदमाश अमित उर्फ मुतु कसाई को लग गई। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर से बाइक, एक देसी तमंचा, दो खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि घायल अमित पर लूट डकैती जैसे डेढ़ दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश सिकंदराबाद क्षेत्र के सांवली गांव का निवासी है और सिकंदराबाद थाने की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अमित आखिर किस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। गोपाल चौधरी, ASP सिकंदराबाद, इकराम खान के साथ आसिफ खान, कैमरामैन की रिपोर्ट। नाइट चेकिंग में जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को रुकाने पर वो रुका नहीं और वहां से फायर करते हुए भाग गया। उसकी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं थी तो तुरंत पुलिस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, तो पास वाले गार्डियन ने उसका पीछा किया तो गुलावटी फ्लाईओवर के पास में उसने एक रोड पर मुड़ने की कोशिश की, वहाँ पर उसने वापस पुलिस पर फायरिंग की। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो राउंड फायर किए जो एक उस व्यक्ति को लगा है। उसको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी शिनाख्त अमित उर्फ मुत्तू कसाई हुई है, जो सिकंदराबाद क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से है। वो पहले भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर कम से कम 10-15 मुकदमे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है।